हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल ABS किचन रूम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ नेनुआ के फूल के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है, ये बनती बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ही कम सामग्री में ये आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से ये स्वादिष्ट पकौड़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बाउल में हमने नेनुआ को फूल को ऐड कर लिया है और अब इसमें मैं कटे हुए प्याज ऐड की हूँ, साथ ही इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर ली हूँ और अब इसमें हम बेसन मिला ले रहे हैं और आगे अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें ऐड की हूँ रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर और अब इसमें मैं मिला ली हूँ काला जीरा, साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और आगे अब इसमें हम मिला लेंगे चावल का आटा और अब इसमें मैं ऐड की हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें ऐड की हूँ जीरा का पेस्ट। इन सभी चीज़ों को डालकर पहले हाथों से अच्छे से मिला लेना है। तो अच्छे से मिला ली हूँ, अब ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसे वापस से अच्छे से मिलाएंगे तो ये इस तरह का दिखने लगेगा। तो अब इसे हम इसी तरह से कम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आगे के स्टेप में मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड की हूँ रिफाइंड तेल। दोस्तों, आप जिस भी कुकिंग ऑयल में खाना बनाते हैं उसे डाल सकते हैं और तेल को डालकर अच्छे से गर्म कर लेना है। और देखिए, 5 से 6 मिनट हो गया है तो मैं इसे देख ली हूँ और हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा उठाते हुए तेल में फ्राई होने के लिए हमें डाल देना है। तो सभी पकौड़ों को मैंने तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है और अब इसमें हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है तो इसे पलट लेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों, ये सभी तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है तो चलिए तेल को छान कर अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस पकौड़े की रेसिपी कितनी आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इजी और अमेजिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।